सो अभी गाइस मैंने एक ले लेता हूँ, मैं ये वाली ले रहा हूँ। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बेसिकली आज व्लॉग नहीं है, आज सर्वाइवल वीडियो है कि हम 5 पाउंड में हम यूके में क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, ये है मेरे पास 5 पाउंड। तो यूके में गाइस इस तरह से फाइव का नॉट होता है, इसे 5 पाउंड बोलते हैं। तो देखते हैं आज इस पूरे दिन में 5 पाउंड में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बाहर चलते हैं और जो भी हो सके खाते पीते सब, तो चलिए चलते हैं। और गाइस आपको बता दूँ, 5 पाउंड यानी इंडिया के तकरीबन 500 रुपये हुए। तो हम 500 रुपये में इंडिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कितना क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गाइस सारी चीज़ें बहुत महंगी है, तो देख के खर्च करना पड़ेगा, बाकी तो सब हो जाएगा। कंटेंट के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। सो गाइस, ये रहा सामने मंदिर, तो पहले मंदिर चलते हैं, बाद में शुरू करते हैं। सो अभी गाइस मंदिर से मैं बाहर निकल गया हूँ, तो अभी मेरे को लगी है भूख। तो पास में ही यहाँ पटेल फूड्स एंड चाट है, तो बहुत ही अच्छा बनाते हैं और हम इंडिया जैसा ही टेस्ट आता है, तो ट्राई करते हैं, चलो। सो गाइस, सामने आपको दिख रही होगी पटेल सेन फूड चाट, तो चलिए चलते हैं और ट्राई करते हैं। ये सारा कुछ इनका मेनू है गाइस। वडोदरा वाले है गाइस ये। सो अभी गाइस मैंने पफ लिया है, जो कि पड़ा है गाइस हमको 2.50 पाउंड में, यानी कि आधे पैसे खर्च हो गए पफ में ही। तो चलिए खाते हैं। सो अभी गाइस पफ तो मैंने खा लिया, तो देख लो इतने में पड़ा। अगर आपको भी आना हो तो आ सकते हो पटेल फूड चाट में। अभी देखते हैं आगे, आधे पैसे हो गए हैं, तो देखते हैं उतने में क्या हो सकता है। सो अभी गाइस मैं आ गया हूँ मार्केट की ओर, आसपास कपड़े ही कपड़े हैं। सो खाने पीने की चीज़ें अब कम हो गई है इधर, तो कपड़े तो मैं खरीद नहीं सकता क्योंकि उतना तो हमारा बजट नहीं है। बर्तन का शॉप है, बर्तन भी हम नहीं ले सकते। सो अभी गाइस मैं पहुंच गया हूँ जलाराम स्वीट मार्ट में, तो यहाँ अंदर चलते हैं और मैंने सुना है यहाँ की चाय बहुत बढ़िया है, तो पीते हैं। सो अभी गाइस मेरे को चाय मिल गई है और ये इसका नाम है मसाला टी, तो चलिए फटाफट पीते हैं। चाय तो गाइस बहुत बढ़िया है। सो अभी गाइस चाय तो मैंने पी ली और मेरे को पड़ी यहाँ की चाय 50 पेनीज में, तो हमारे पास अब बचे हैं 2 पाउंड। तो हम देखते हैं अब 2 पाउंड में हम क्या कर सकते हैं। तो सभी गाइस मेरे को नारियल पानी पीना था, तो मैंने भाव पूछा, तो बोल रहे 3 पाउंड, यानी कि 300 रुपये। 300 रुपये में हमारे यहाँ कितने नारियल आते हैं कमेंट में बताना गाइस। सो गाइस अब सोच रहा हूँ कि फ्रूट्स या सब्जी देख लूँ क्या क्या भाव है, तो उसके हिसाब से खरीदता हूँ अगर फ्रूट्स खाना हो तो।
बाकी सब खाओ, इससे अच्छा तो फ्रूट्स ही खा लो। तो यहाँ पे ही है पाइन एप्पल का भी है 1 pound, तरबूज का भी है 1 pound। गाइस इन सब के बीच में मैंने एक देखा बालाजी का पड़ी का, आप सबको रिमेम्बर होगा मैंने बोला था बीजेपी का पड़ी का, तो यहाँ पे है बालाजी का पड़ी का। ये रहा सब बालाजी। सर प्राइस क्या है इसकी? ओके वन, यहाँ पे गाइस इसकी प्राइस है देखो 1.50 pound, यानी कि 150 rupees हुए है। तो इंडिया में हम ऐसे कितने पड़ी के ले सकते हैं पता है आपको? ये क्या है, ककड़ी, हमारे वाली ककड़ी, जो कि इसका भाव है 1.20, यानी कि 120 rupees। देख लो गाइस कितनी महंगी चीज़ें हैं यहाँ पे। और गाइस टमाटर के भाव यहाँ पे, टमाटर के भाव यहाँ पे है 2.20, यानी कि 220 rupees केजी। ये देखो टेटी, हमारे यहाँ टेटी बोलते हैं इसको, 1.90, इतनी सी 200 rupees की। सबका भाव भी देखो 1.50, मोने को भाव 1.50, इसका भी एक रुपये 10 rupees वाला 150 में बिक रहा है इधर। तो गाइस मसाला मैगी एक का होगा 120, और अगर हम 3 लेते हैं तो 1 pound में पड़ती है एक, तो यानी कि एक मैगी 100 rupees में यहाँ पे बिक रही है 100 rupees में। हालांकि इसमें लिखा तो 10 ही रुपये है, देखो 10 रुपये ही लिखा है, इंडिया से ही आती है सब। बालाजी का भी देखो 2.49, यहाँ पे मिलती तो सारी चीज़ें हैं लेकिन महंगी बहुत ही बहुत है। ये देखो इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, ये क्या है, सरगवा आई थिंक, रिंगन भिंडी, ये गवार, ये मिर्ची, यहाँ पे सारी चीज़ें महंगी है लेकिन हम ये सब खरीदने जाएंगे ना ये सब, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सस्ती है, तो हम इनमें से लेते हैं फ्रूटी, ये वाली एक ले लेता हूँ मैं। ड्रिंक यहाँ पे गाइस बहुत ही सस्ती है, लेकिन इतनी फ्रूटी भी हमको पड़ी है 69 rupees में, यानी कि 69 pennies में, यानी कि इंडिया के हुए 69 rupees। ये 10 rupees की चीज़ हमको यहाँ पे 69 rupees में मिलती है गाइस, देख लो डिमांड है यहाँ पे। टेस्ट इंडिया जैसा ही है, इंडिया से ही आती है आई थिंक ये सब। सो गाइस अब हमारे पास बचे हैं 1.30 pennies, यानी कि 1 pound and 30 pennies बचे हैं, और अभी आधा दिन बीत चुका है तो अब देखते हैं उतने में क्या होता है। कचरा हम यहाँ कहीं भी नहीं डाल सकते गाइस इंडिया की तरह, अगर डाल दिया तो समझो बड़ी पेनल्टी लग गई। कल मेरा दोस्त एक पेड़ के पास थूक दिया तो उसको 150 pound की पेनल्टी ठोक दी उसको, यानी कि 15,000 rupees हुए इंडिया के। तो देख लो इतना स्ट्रिक होता है यहाँ पे, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे। और गाइज यहाँ पे मैंने ली सिर्फ इतनी छोटी सी फ्रूटी, लेकिन बिल सबका मिलता है, तो ये देखो उसमें 69 pennies। तो गाइज अब हमारे पास बचे हैं 1 pound एंड ये 1 penny है 10 and 20, तो 31। और गाइस कई लोग सोच रहे होंगे कि तो रात के खाने का क्या करेगा तू, क्योंकि रात का खाना तो मेरा इंक्लूड ही है, बीच में जा रहता हूँ होम रेंट के साथ वही, तो इसलिए ये सिर्फ शाम तक का खर्चा था मेरा 5 pound में हमने क्या किया। तो अभी इतने बचे हैं तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। सो अभी गाइस इस ऑफ लाइसेंस में जाता हूँ और देखता हूँ कि उतने में हमारा क्या हो सकता है, तो देखते हैं चलो। सो यहाँ पे गाइस मेंटोस भी है, पोलो भी है, स्नीकर्स भी है, किटकैट भी है,
और डेरी मिल्क भी है, लेकिन सबके प्राइस देखो, मेंटोस 70 रुपीस में है सर। या किटकैट का प्राइस 85 रुपीस है। सो यहाँ से गाइस मैं ये वाली ले रहा हूँ, थैंक यू। सो गाइस हमको ये वाली बाउंटी कोकोनट चॉकलेट हमको पड़ी है 85 पेनीज में। तो अब हमारे पास है यानी कि हुए गाइस 50 पेनीज समथिंग कुछ है अभी भी हमारे पास। सो गाइस 5 पाउंड में इतना हुआ और अभी 50 पेनीज जितने बचे हैं तो वो मैं रहने दूंगा, वो खर्च नहीं करूंगा मैं। वो कई लोग सोच रहे होंगे कि ये वहाँ जाके ये सब क्यों चीज़ें खरीद रहा है, क्योंकि 5 पाउंड में गाइस यहाँ पे कुछ नहीं होता, सिर्फ एक टाइम का नाश्ता हो सकता है, तो वो मैंने किया और उससे भी बहुत कुछ किया, तो कुछ करने को नहीं था इसलिए मैंने ये चॉकलेट या फ्रूटी ये सब ख़रीदा। हालांकि मैं ये सब नहीं करता यहाँ पे, तो वो सब जज मत करना। आज वीडियो में मैंने इसीलिए सब लिया क्योंकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इतने इतने में ये सब कुछ मिलता है। तो 5 पाउंड में से भी मैंने 50 पेनीज बचाए हैं, तो ये अच्छी बात है, लेकिन 5 पाउंड में इधर कुछ नहीं होता। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट में बताना मेरे को, और आगे भी मैं ऐसा 10 पाउंड में हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा वीडियो लेके आऊँगा आगे, अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आता है तो। तो इस वीडियो में यही एंड करता हूँ, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।